क्या खूब काय कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही नहीं चले। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल DMR राशिफल में। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 27 मई दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे कुंभ राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों, आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों, आपकी भी कुंभ राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों, आज का दिन गुरुवार है, विष्णु भगवान का दिन है, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें। मित्रों, और कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखें, विष्णु भगवान आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों, वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, अब बात करते हैं आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। आज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जो लोग आपके पास रहते हैं वो आपके दिल के करीब रहते हो। दरअसल असल जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जो लोग आपके आसपास रहते हैं वो आपके दिल के करीब कभी नहीं होते। और जरूरी नहीं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग भले ही आपके पास रहते हों लेकिन उनसे आपके दिल के तार कभी नहीं जुड़ते। और चाहे फिर आप उनके पास रोज घंटों घंटों पर बैठकर बातचीत क्यों ना करते हों, चाणक्य जी कहते हैं कि घर के बाहर विद्या मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगी के लिए दवा मित्र होती है। जो मेहनती होते हैं वो गरीब नहीं होते बल्कि हरदम भगवान के याद करने वाला इंसान पाप नहीं छू सकता। और चुप रहने व शांत रहने वाले से झगड़ों के पड़ते हुए जागृत लोग निडर रहते हैं और कुछ आँखों में देख कुछ पानी कर लेते हैं और कपड़े को देखकर शुद्ध पानी जीतने पीते हैं। शास्त्र में शुद्ध करके वचन बोलना चाहिए और मन में विचार करने के कार्य करना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं भाग्य के सहारे कभी नहीं बैठना चाहिए और जो भाग्य के सहारे बैठते हैं उन्हों का नाश होता है। ऐसा बताया कि व्यक्ति को मुसीबत आने पर अपने सोच लेना चाहिए। मित्रों, यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अब बात करते हैं आज के पाचंग के बारे में। पाचंग 27 मई दिन चल रहा है, गुरुवार, तिथि चल रही है प्रतिपदा, नक्षत्र चल रहा है ज्येष्ठा, ऋतु चल रहा है ग्रीष्म, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होगा 5:40 पर और सूर्यास्त होगा 6:32 पर। आज का शुभ समय 12:44 से 2:26 तक। आज का अशुभ समय 8:36 से 9:48 तक। आज कुंभ राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 7 है और भाग्यशाली दिशा पूर्व है और भाग्यशाली रंग मेहरून है। मित्रों, अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि, आज आपको आर्थिक हालात सुधारने की पुख्ता प्लानिंग करनी होगी। कारोबार कर रही हैं तो बिक्री बढ़ेगी, नौकरी कर रही हैं तो परिश्रम बढ़ाने की जरूरत होगी। और आज वाहन चला रही हैं तो मन को एकाग्रित कर चलाएं और मोबाइल पर बात करना या संगीत सुनने में मग्न होने कुछ आशय के व्यय बन सकते हैं। सर्दी खांसी व सांस लेने में तकलीफ महसूस होगी। और संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आज सदस्यों के साथ संबंध खराब होंगे और सदस्यों के विवादों में आज दिन सामान्य रहेगा। व्यापार कर रहे हैं तो संभव है कि छोटी यात्राएं कर सकते हैं। आपको विशाल आर्थिक लाभ होगा और अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में बनना होगा, फायदेमंद होंगे। इनकम में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी से मामलों में आज का दिन अच्छा रहेगा, अच्छी सफलताएं मिलेंगी। और प्रेम संबंधों में बिता रहे लोग आज अपने रिश्तों को प्यार देखकर काफ़ी खुश होंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने जा सकते हैं क्योंकि आप अपने ऊर्जावान महसूस करेंगे। और योग पारिवारिक हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा, पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर आप आनंद पूर्वक समय व्यतीत करेंगे, आय में नए साधन बनेंगे और मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थितियों में वृद्धि का कार्य प्रगति होगी और स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, निरंतर भागदौड़ की स्थिति रहेगी। और आज का दिन उतार चढ़ाव वाला रहेगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आर्थिक नुकसान, पेमेंट अटक जाने के कारण हो सकते हैं। और आवश्यकता से अधिक देकर उधार न कारोबार करें और कोई पिछला रुका हुआ धन मिल सकता है। नौकरी पेशा वर्गों में लोगों का आज का दिन बॉस से न उलझें और टारगेट पूरे नहीं
नहीं होंगे, इसके कारण मानसिक तनाव भी हो सकता है, कारोबार तनाव आ सकता है, घर परिवार रिश्तों में प्रभावित कर सकता है और दफ्तर जीवन में शांति व मनमुटाव की स्थिति आएगी। पति पत्नी स्वास्थ्य संबंधित पीड़ा हो सकती है, ज़्यादा तनाव, ब्लड प्रेशर घट बढ़ सकता है और कुंभ राशि वाले लोगों को आज का दिन मंगलमय रहेगा। हालांकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी संभव है, लोगों के सामने आपके व्यवहार विकसील रहेंगे और वाणी को मधुर बनाए रखें। कुंभ राशि वाले लोगों को आज का दिन सिर्फ लाभ ही दाव दिखाता है, व्यापार में बिक्री बढ़ेगी, सारा दिन व्यस्त में बीतेगा और व्यापारिक परिस्थितियां अनुकूल होंगी। नौकरी पेशा वर्गों में आज का दिन अच्छा रहेगा, परिणाम और देखने में मिलने के सभी सेल्स व टारगेट आसानी से पूर्ण होंगे और कुल मिलाकर दिन अच्छा बीतेगा। पारिवारिक में कुछ आपसी मतभेद भी देखने को मिलेंगे, तर्क कुतर्क व घरेलू वाद विवाद बढ़ सकता है, अपने विचारों को पूरे करने की कोशिश करेंगे और एक अलग दृष्टिकोण से अपेक्षित कार्यों को पूरा करेंगे। व्यवसाय से जुड़े कार्यों में मंदी दूर होगी, आपको बच्चों को दिल दहलाने वाली खबरें मिलेंगी, पारिवारिक हालों को आपके परिवार अपेक्षित समर्थन मिलेगा, कारोबार में उच्च लाभ होगा, वैवाहिक संबंधों में प्रगति होगी, सोने की सामग्री में वृद्धि के विचार बनेंगे, सहायक रहेंगे और अवसर उत्पन्न होंगे, आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता होगी और प्रेमी से कुछ बातों में आकर्षित हो सकते हैं। स्वास्थ्य, आज दांतों और मसूड़ों में दर्द महसूस करेंगे, आपकी राशि में बना युद्ध कोक आपको फलदायक रहेगा, लेकिन क्रोध पर काबू रखने की जरूरत रहेगी, कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का समर्थन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और तालमेल पैदा होगा, भाई बहनों के सहयोग खबर आनंदित होगी। आर्थिक मामलों में आज का दिन खर्चीला रहेगा, लेकिन शुभ और सूचना अगदिन आगमन होंगे और प्रसन्न रहेगा, वरिष्ठ जन व टारगेट आसानी से प्राप्त होंगे, छोटे छोटे सहकर्मियों व तालमेल बनाकर रखें, आज का दिन आपके लिए लाभकारक रहेगा। कार्य व्यवहार जुड़े विवाद आज सुलझ सकते हैं, नए प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो सकता है, जमीन जायदाद के मामले में पारिवारिक खास पास के लोगों को परेशानी पैदा होगी और खर्च के आज चिंताओं के कारण बन सकते हैं। आज कुंभ राशि वाले लाभ इनकम में आज ज्यादा मेहनत भी करेंगे और कुछ हद तक सफल भी रहेंगे, माता पिता के जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और कुंभ राशि वाले लोग पारिवारिक जीवन में खुशियां सिलसिला बरकरार रहेंगी, संतान की सफलता में आपकी खुशी होगी और दफ्तर जीवन में अच्छे परिणाम भी देखने को आज आपको बेहतर मिलेंगे और इजाफा होगा, प्रसन्नता होगी और आज इजाफा होगा और कुछ कार्य क्षेत्र में मेहनत भी करेंगे और निराशा को लेकर कतई स्थान न दें और आप अपने मित्रों की मदद से आपको संबंध मिलेंगे और कुछ मित्रों, यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।